पंडित जी ऐसा मंत्र मानना कि हमारी गाड़ी गाड़ी हो जाए। गाड़ी उसके बाद बस ही आएगी आपकी। नमस्ते गैस, वेलकम टू अतुल सर ब्लॉग। तो गैस आज आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो गैस आज हमारा मौसम भी सही है हमारे अल्मोड़े का। तो आज आपको अल्मोड़े का लोकेशन दिखा देते हैं। देखो हर घर में गैस लाइट की माला लगी हुई है, लेकिन अगर हम रात को देखते हैं रात का नज़ारा ही कुछ और है हमारे अल्मोड़ा शहर का। तो गैस अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अब ले चलते हैं आपको सीधे शोरूम में। तो शोरूम तक हमें इसी में जाना पड़ेगा। संतोष भाई की गाड़ी में जाते हैं शोरूम तक, उनके भी इसी में जाते हैं गैस। तो गैस हम मार्केट आ चुके हैं यहाँ पर, आप भीड़ देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा। मिठाई ले आते हैं पहले, थोड़ी कर दो आधा आधे किलो, दो डब्बे बना दो। तो गैस यहाँ से मिठाई ले लेते हैं। देखो मिठाई दिवाली के उपलक्ष्य में इतनी ज़्यादा मिठाई बनी हुई है यहाँ। लो लो। तो क्या मिठाई ले ली हमने यहाँ से, इसमें आता हम शोरूम का संतोषा की गाड़ी में। गाइस अभी तो मैं ढूंढ रहा था कि फूल कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर फूल भी मिल गए हैं। गाड़ी के लिए ले लेता हूँ, ये सही में भी वाले फूल आर्टिफिशियल वाले लेता हूँ, और नेचुरल वाले से भी बाद में लूँगा। फूल की पन्नी भी ऐसे दे रही कि दिख नहीं रहूँगा आपको, एकदम साफ नहीं दिख रहूँगे। चलो भाई तो जाते हैं अब तो। कहाँ पहुँच गया हम शोरूम फाइनली। गाइस आप देख रहे होंगे, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ हमारे अल्मोड़े में भी दो दो शोरूम होंगे, एक रेनॉल्ट का है और एक मारुति का है। बस हम जाते हैं मारुति वाले में। अच्छा ये है गाड़ी तैयार है तो पूरी। गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ मारुति सुजुकी में, और यहाँ पर देख लो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर से हमने आज गाड़ी लेनी है। ये देखो पूरी अल्टो अल्टो दिख रही है आपको, पूरे अल्टो अल्टो। दिवाली के टाइम में सभी लोग यहीं आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था सभी लोग हल्द्वानी आते थे, बट आजकल सभी अल्मोड़े से ही ले रहे हैं। तो कह रहे तब तक भाई लोग बात कर रहे हैं मैनेजर साहब से, तब तक मैं यहाँ पर से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखे थोड़ा सा पूरी करनी होती है ना, अगर आप गाड़ी लेते हो तो कुछ कागज कार्रवाई होती है जिसको पूरी करनी होती है, यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। रूम में आपको एस्प्रेसो ही मिल जाएगी, और ये अल्टो ही है। ये टॉप मॉडल होंगे ना मैम? अच्छा पहली पूजा मैं यहीं के लोग करेंगे। तो गाइस तब तक मैम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो पूजा होती है जो शोरूम के लोग होते हैं वही करते हैं आगे शोरूम के। तो पूजा कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पर। लो भाई सेलिब्रेशन ले लो तुम। ठीक है भैया, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस फाइनली हमने ले ली है वाली गाड़ी, काफी मस्त गाड़ी है, व्हाइट कलर का जमता भी है, पहाड़ों में ही चलता है हमारे ज्यादातर व्हाइट कलर। तो गाइस ये हमारे वो देखो सब्सक्राइबर भी पहुंचे हैं, छोड़ दे नहीं मुझे, जहाँ मैं जाता हूँ पहुँच जाता हूँ पहुँच जाता हूँ। ये हमारे संतोष भाई चलाते रहे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी हमने दरअसल ऑनलाइन बिजनेस के लिए ली है, ऑनलाइन क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में बिजनेस, तो इसलिए हमने अली गाड़ी ली है। बैठ चुके हैं सब पापा और बड़े पापा है, देखो टेंशन ले रहे। तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, कहते हैं नई गाड़ी लेने का वो जो होता है ना मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो मस्त गाड़ी लग रही है एकदम व्हाइट वाली। तो गाइस हर एक आम आदमी का सपना होता है अपनी मेहनत से कार लेना, ये डायलॉग हमने बहुत से चैनलों में सुनेंगे, तो इसी टाइप का मैंने भी आज डायलॉग मार दिया। चलो भाई वहाँ से हम आ चुके हैं। तो गाइस हमने गाड़ी यहाँ पर ही लगा दी। देखो ये धन्यवाद, थैंक यू गाइस, ये भी क्या कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा है मैं। तो गाइस ये वाली गाड़ी हमने परचेज कर की, इको कार्गो गाड़ी है, काफी ज्यादा मस्त गाड़ी है। हमारी जो इको कार्गो है ये सीधे चितई मंदिर को जा रही है, आ जाओ। चलो चलो भाई चलो। तो गाइस यहाँ पर हमने सामान रखना है, देखो ऑनलाइन जो भी सामान मिलेगा हमने यहाँ पर सामान रखना है। तो गाइस ये वाली जो इको कार्गो है इसमें मैं जा रहा हूँ, ये पीछे दिख रहा है इसमें भाई लोग आ रहे हैं, भैया भाभी दीदी सभी लोग आ रहे हैं इसमें, और जो गाड़ी का असली मालिक है इसमें जा रहा है, डिक्की में जा रहा है। और पूरे अल्मोड़े में हमने पूरे लोकल में लोकलाइज कर देना है पूरा बिजनेस। तो गाइस इस तरह से चल रही है हमारी गाड़ी, देखो नई वाली
संतोषा चला रहे हैं हमारे। लेके आ चुके हैं हम यहाँ पर ही, और यहाँ से आप थोड़ा मंदिर को जाएंगे, हम भगवान के दर्शन करके आते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, फिर बाकी का ब्लॉग आपको सीधे मंदिर में दिखाऊंगा। भाभी भी आई है हमारी, दीदी भी आई है तन्मय को लेके। ये देखो यही है असली मालिक। नमाज ले लो भाई। तो गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सामान वामान ले रहे हैं गाड़ी के लिए, जैसे घंटी हो गया, और गाड़ी में रखते हैं ना भगवानों की फोटो, बोल के भगवान की फोटो रखी जाती है। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं चितई मंदिर में, वैसा आपने मेरे बहुत से व्लॉग में देखा होगा। जय गुलजू। तो गाइस मैं आते रहता हूँ भगवान हो गए यहाँ। यहाँ पर शूज खोलना पड़ेगा, शूज खोल रहे यहाँ पर से नहीं आएगा इसमें बोल। तो गाइस पहले इन हाथों में स्कूटी की चाबी रहती थी, अब देखो अब गाड़ी की चाबी है। एक अलग ही अनुभव होता है ना जब आपके हाथ में आती है गाड़ी की चाबी। पूजा होगी ना तो पंडित जी का आशीर्वाद भी ले लिया। पंडित जी को ले चलते हैं हम जहाँ हमारी नई गाड़ी रुकी हुई है। घंटी बजाने में डर रहा है तो इसके लिए हल्की बजा दी हमने। तो भाई घंटी बजाने में ना ये बहुत ज्यादा डर जा रहा है। डर क्यों रहा तू घंटी बजाने में? भाई यहाँ पूजा अर्चना हो चुकी है और पंडित जी लोग जा रहे हैं, बस हम भी निकलते हैं और अब गाड़ी की पूजा अर्चना करके आते हैं। बोल जी भगवान इस दिवाली में एक आई, अगली दिवाली में एक और आएगी। तो कैसे मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ अपने फैमिली के संग मंदिर, वरना आप देखते हो मैं अकेला ही आता था। मम्मी अभी घर में ही है, बाकी भाभी लोग आ ही रखे। फाइनली होगी पूजा, अब गाड़ी की करते हैं। कहाँ गए पंडित जी? अच्छा पंडित जी लोग सब वहाँ पहुँच गए। देखो पंडित जी ऐसा मंत्र मानना कि हमारी गाड़ी गाड़ी हो जाए। गाड़ी अब इसके बाद बस ही आएगी आपकी। ये पंडित जी ने आशीर्वाद भी दे दिया। इतवार और बुधवार छोड़ करके कभी भी छोड़ लो। अच्छा घंटी भी बज रही है हमारी गाड़ी में। घंटी बज चुकी है हमारी गाड़ी में, अब चुन्नी बदलने का टाइम आ रहा है। जय हो गोलजू महाराज। गोलजू मंदिर के बाद अब हम आ गए हैं डाना गोलू मंदिर में। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा पूजा अर्चना कर लेते हैं। गाइस आज जो फीलिंग आ रही है ना बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा खुश हो। जय हो डाना गोलू भगवान गोलजू। पूजा ये अर्चना हो रही है। जय हो आ जाओ। ऐसा सारे भगवानों के हमने दर्शन कर लिए हैं, पहले हम चितई मंदिर के, फिर डाना गोलजू भगवान के भी दर्शन हो गए। तो गाइस गाड़ी की पूजा अर्चना भी हो गई है, मंदिर भी घुमाए हम, तो अब हम जाते हैं थोड़ा चाय पकौड़ी भी ले लेते हैं यहाँ से। आज ये भी आ गया यार मंदिर में घूमने का, हमने घंटी बजा के रोने लग पड़ा थोड़ा है ना। मैं तो सोच रहा था मैं ही आऊँगा यहाँ गाड़ी लेके, बाकी सब आए। देखो स्कूटी वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर। चितई मंदिर है ना फर्स्ट टाइम, कैसा लग रहा है इसको? फर्स्ट टाइम आया ना भाभी? ऑर्डर देती है अभी आती है पकौड़ी चाय। देखो इतनी मस्त, आप कभी आते हो यहाँ विजिट कर दो आप चितई मंदिर में, तो चाय पकौड़ी जरूर खाइए, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो गाइस आ गई हमारी पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े। अरे वाह चटनी देखो यार, और ये देखो ब्रेड पकौड़े देखो, काफ़ी टेस्टी बने हुए हैं। खाने से पहले बोल रहा हूँ मैं, सब कर लेते हैं पकौड़ी पहले ग्रीन चटनी के साथ।
सिंगल मजा आ गया क्या ऊपर लो अंदर आया यहाँ पर इनको बखा लो यह चाय मगर तो गाइस चाय भी काफी टेस्टी हो रही है। तो गाइस जब भी आप चिताई आओ तो अंकल की दुकान पे जरूर खाइए, चाय पकौड़ी काफी टेस्टी बना रहे हैं। मैंने तो जम के खाली चाय जम के पी ली है। तो गाइस चाय पकौड़ी होगी, अब चल लेते हैं घर की ओर। तो आ जाओ कैसे में जाएंगे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं गंगनाथ मंदिर में भी। ये मंदिर ही बहुत ज़्यादा प्राचीन है, देखो यहाँ पर पूरा पत्थर ही पत्थर दिखेगा आपको। तो गाइस पहले हम चिताई मंदिर गए, उसके बाद डाना गोलू मंदिर गए, अब हम आ गए गंगनाथ मंदिर में, जो कि यहाँ पर ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस फलसीमा बैंड आपने देखा होगा वहाँ पर ही पड़ता है मंदिर। जय हो गंगनाथ बाबा। यहाँ पर देखो गाइस ये नागराज जी बने हुए हैं। दीदी बाबा लोग पहले से ही पहुँचे हुए हैं। तो गाइस यहाँ के दर्शन भी हो गए और गाड़ी हमने नीचे रुका रखी, देखो वो दिख रही होगी आपको सेकंड नंबर की। जूम कर लेते हैं, देखो गाइस ये अपनी गाड़ी सेकंड नंबर की। तो गाइस ये मंदिर में सीढ़ियाँ बहुत हैं, ये देखो यहाँ से नीचे से आया मैं और दर्शन करके भी आ गया। तो गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।